हेलो अस्सलाम वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक मुनफरिद टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जिस पर बहुत ही कम बात होती है जी। सिगरेट जो सेहत के लिए मुज़र है, जिसमें तस्वीरों में देखे बुरी बुरी तस्वीरें लगी होती हैं, इसके बावजूद लोग सिगरेट के आदि होते, जो आदि हो चुके हैं वो तर्क नहीं कर सकते, वो सिगरेट पीना नहीं छोड़ते। तो गवर्नमेंट ने एक तरीका निकाला कि इसकी कीमतों में इजाफा किया जाए बिल्कुल डबल। मीन जैसे कि गोल्डी पहले अगर 230 रुपए की थी तो अभी 550 की हो गई है। इसके बावजूद भी लोग वैसे ही पी रहे हैं जैसे पहले पी रहे थे। हाँ, काफी लोगों ने जो गरीब है उन्होंने अपना ब्रांड चेंज किया है, काफी लोगों से पूछा तो उन्होंने अपना ब्रांड चेंज कर लिया। मीन अगर वो पहले गोल्डी पी रहे थे तो वो मारवन पे आ गए, कप्सन पे आ गए। जो मारवन पीते थे वो जो है अभी पैन वगैरह पीते हैं, वो थोड़े लो क्वालिटी या लो जो है बोल सकते हैं प्राइस वो पीना स्टार्ट कर लिया है। तो आज हम लोगों से पीते हैं जो उन पूछते हैं जो सिगरेट पीते हैं कीमतों में जो इतना इजाफा हुआ है तो उनका क्या कहना है, और खास तौर पे जो शॉपकीपर है उनका क्या कहना है। तो ये हम आपको दिखाते हैं। ये सिगरेट पहले आप कितने में पीते थे? पहले 80 रुपया तो हो गया, अभी 140 हो गया। इसका नाम क्या है? ये पेन सिगरेट है। तो आप क्यों पीते? क्या नाम है? सब कुछ महंगा हो गया भाई, सब कुछ महंगा हो गया। अच्छा, क्या चीज सस्ता है? तो फिर आप जो है ब्रांड चेंज करें, कोई और ले से सस्ता वाला। सस्ता वाला नहीं है, वो हमारा चेना खराब करता है, ये हमारा पसंद है। अच्छा जी जी बाकी। तो आप सिगरेट कब से स्टार्ट किया? 30 साल हो गया। 30 साल। आपको पता है सिगरेट पे लिखा हुआ है कि सेहत के लिए खराब है? अभी भी हमारी सेहत खराब है। सिगरेट नहीं पीते, नहीं पिए ठीक हो जाएंगे? क्या करेगा भाजी, हमारे लिए नशा नहीं होता। मुझे बहुत कम भी अगर बोलूं तो 30-35 साल। 35 साल पहले सिगरेट की जो कीमत थी वो तो कितनी थी? उस वक्त तो बहुत सस्ती थी, वो 20-25 रुपए में डब्बी मिल जाती थी जो मैं पीता था। 30 सालों में कितने ब्रांड चेंज किए थे? मैं तकरीबन कोई 4-5 कर चुका हूँ। पहले ब्रांड चेंज करने की वजह क्या होती थी? पहले यही वजह होती थी, उस वक्त जाहिर है एक तो खर्चा मिला करता था या तनख्वाह कह लें, आज मैं खुद करता हूँ काम। उस वक्त उस खर्चे के हिसाब से चलते थे, तो मुझे याद है कि मैं 555 से स्टार्ट लिया था और वही पीता था, तो जब वो 3700 रुपए की डब्बी हुई है ना तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। 3700 रुपए की टोटली। और अभी जो है इसलिए अफोर्ड नहीं होता, तो एक तो कुछ तो हमारी माशाल्लाह गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बड़ी जुगतबाजी भी हुई है, बड़े लोगों ने कहा है कि यार अब परेशानी में बंदा दो कश भी नहीं लगा सकता, इतनी महंगी हो गई। अच्छा, तो बट साहब अभी कुछ अर्सा पहले आप कौन सा ब्रांड पीते थे, अभी कौन सा पीते? मैं गोल्डलिफ्ट पी रहा था लास्ट टाइम, अब जाहिर है 530 रुपए की वो सिगरेट हो गई है, तो मैंने भी ब्रांड चेंज कर लिया। और मजे की बात है, जो सिगरेट्स हमारे पास बॉर्डर से आ रहे हैं, शर्म का मकाम है कि हम इखलाकी तौर पे भी इतने गिर चुके हैं, उन पे तो टैक्स नहीं लगा हुआ। जो मेरे मुल्क में बनती है, जो यहाँ पे होता है सारा सिलसिला, बहुत सारे सिगरेट्स हैं उस पे तो समझ में आती है कि गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया। ये मैं बाहर का इटली का सिगरेट पी रहा हूँ, हमारे यहाँ मिलानो, हमारे यहाँ ये बॉर्डर से इस तरह की बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो आते हैं, इन पे लगा दिए खुद से, खुद साख्ता टैक्स भी है हमारे यहाँ, तो लानत भेजते हैं जी। यही बात है, समझ से बाला तर है कि हर चीज हम खुद से भी करते हैं और पूछने वाला कोई नहीं। मैं हैरान हूँ, इजाफा हुआ है ये तकरीबन 1-1.5 महीना और है, जैसे बजट पेश हुआ उस टाइम उसके बाद सिगरेटें महंगी हुई। अच्छा, महंगी हुई है तो क्या कस्टमर्स में क्या फील कर रहे हैं आप? लोग मजबूर है, कर दिया है, ये लोग मजबूर है, ये नशे वाली चीज ये तो छोड़ नहीं सकते, खुद भी सब पी रहे। लोगों ने ब्रांड चेंज किया? नहीं नहीं, बस ये पेन थोड़ा सस्ता है सेपरेटो में से, इस वजह से लोग पेन अभी ज्यादा पीते। तो पेन पहले कितने का था, आप कितने का? पेन पहले 100 रुपए का था, अभी 120 का है। अच्छा, कैपिस्टन पहले 120 का था, अभी 220 का हो गया, पहले तो चला गया 250 हो गया, फिर थोड़ा सस्ता हो गया 220 का हो गया। अच्छा, मारवन भी 220 का, गोल्डिफ पहले 230-240, अभी 500-550 इस तरह हो गए, डबल डबल हो गए। फिर भी लोग पीते हैं? फिर भी लोग लेते हैं। ये जो 500 हो गए, सबसे सस्ता सिगरेट ये प्लेटिनियम में
हाँ, ये अस्सी रुपए का, ये पहले कितने का था? ये पहले 70 रुपए का था, अभी 80 का हो गया, 10 रुपए का था। ये क्योंकि बाहर मुल्क रेट है, पाकिस्तान को होता था ये 200-300 का होता था। तो ये जो पैन, ये मारवन गोल्ड, ये सर पाकिस्तान के हैं? ये सब कैपिस्टन मारवन गोल्ड, ये सब पाकिस्तान के, इसीलिए इनकी कीमतें नहीं बढ़ रही। पाकिस्तान की चीजें एकदम महंगी होती है, बाहर मुल्क की चीजें नॉर्मल महंगी होती है। अच्छा, मोस्टली चीजें जो कीमतें बढ़ती है दोबारा कम नहीं होती, तो सिगरेट का क्या लग रहा है आपको, फ्यूचर में कम होंगी या नहीं? नहीं नहीं, और ज्यादा होंगी, कम नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान में एक चीज बढ़ गई फिर वो सस्ता नहीं होता। तो आप दुकानदार है, आपका क्या कहना है, मजीद बढ़ना चाहिए कम होना चाहिए? लेकिन बढ़ गया, उससे हम लोगों को फायदा मिल गया। अभी चीजें हम लोग अपने मर्जी से दे रहे, पहले आवाम की मर्जी थी, अभी हम लोगों को मर्जी। अभी कैपिशन एक दाने पहले 15 के भी लोग देते, 12 के भी देते, 13 के भी देते, लोग खुशी लेते। पहले 7 रुपए के देते, लोग नखरे करते। नखरे खत्म, अभी खत्म, अभी हम लोग खुश है, अच्छा महंगा हो गया। चलो ठीक है।